उज्जैन के हीरा मिल रोड पर एक गार्डन में कांग्रेस के आईटी सेल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह जहां पर उज्जैन जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल, शहर अध्यक्ष महेश सोनी, विधायक महेश परमार भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम पर कार्यक्रम स्थल पर लगे हुए होर्डिंग बैनर पर बड़नगर के कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल, घटिया के विधायक कांग्रेस के रामलाल मालवीय और नागदा खाचरोद के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के फोटो नहीं लगे हुए थे होर्डिंग बैनर पर। वहीं तीनों विधायकों के जिले में इस कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं हुए, जो चर्चा का विषय रहे। वहीं कांग्रेस आईटी सेल के नेताओं का कहना है कि हम अभी आर्थिक कमजोरी से जूझ रहे हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरह से विधायक महेश परमार के द्वारा बनाई गई थी, और अब जब कांग्रेस आर्थिक रूप से कमजोर है तो फिर कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोगों को सहभोज की राशि कहां से आई। और साथ ही में यह कट आउट बैनर लगाए गए हैं, उनमें कांग्रेस के तीन विधायकों के फोटो क्यों नहीं लगाए गए, जिससे उन विधायकों के समर्थक नाराज देखे गए और इस कार्यक्रम में, और यह कहते रहे कि जिसने भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है वह गलत तरीके से बनाई है। जो जो बात मैंने अभी बोली स्टेप बाय स्टेप ये सब चलता है और लास्ट में जाकर के 70 साल से कोई संसद में घुस के नहीं आ गए थे, जनता ने चुना था और 70 साल तक बेचा था, आज नहीं है तो बाहर है हम लोग, कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे। नगर निगम चुनाव हमारे सामने, एक लाइन में एक बार बोल करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी कि हम जिस पार्टी से लड़ाई लड़ते हैं उसकी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।